welcome back to our English class. Today we will discuss our lesson 5, little by little poem है, उसके exercise यहाँ पे हम सीखेंगे. So first one is new words, यहाँ new words दिए हैं. First one is little, little means छोटा होता है, पर यहाँ पे poem के related little मतलब धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके. Number two, sank. सैंक मीन्स डूबना, अंदर चला जाना. यहाँ पे जो ओक का जो सीर होता है वो लैंड में अंदर धीरे धीरे चला जाता है, तो यहाँ पे दिया है सैंक. देन नंबर थ्री, मौसी. मौसी मीन्स जो दलदल जैसी लैंड होती है वो. देन नंबर फोर, अर्थ. यहाँ पे हमें लैंड अर्थ का मीनिंग करना है, लैंड धरती, जो फ्रूट अंदर जो सीड होता है वो नीचे चला जाता है इसके लिए. नंबर फाइव, सिप्ड. सिप्ड मीन्स पीना. देन धीरे धीरे करके चुस्की भर के पीते हैं, वो सिप्ड होता है. नंबर सिक्स, ड्यू. ड्यू मीन्स ओस. देन नंबर सेवन, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मीन्स नीचे. नंबर एट, स्लेंडर. स्लेंडर मीन्स पतली, पतली जो ब्रांचेस होती है ट्री की वो. देन नंबर नाइन, ब्रांचेस. ट्री की ब्रांचेस होती है टहनिया. देन नंबर टेन, माइटी. माइटी मीन्स एक पावरफुल, एक बड़ा सा जो ट्री होता है वो माइटी. इसमें दिया है लिटिल बाय लिटिल पोएम में माइटी ओक ट्री, जो एक बड़ा सा बिगेस्ट ट्री बन जाता है, तो उसको माइटी ओक ट्री बोलते हैं. देन नंबर इलेवन, प्राइड. प्राइड मीन्स शान, गर्व होता है. यहाँ पे फॉरेस्ट की जो शान है वो एक माइटी ओक ट्री होता है, वो बिगेस्ट ट्री होते हैं वो फॉरेस्ट की शान होते हैं. नंबर ट्वेल्व, हिडन. हिडन मीन्स छुपा हुआ. नंबर थर्टीन, स्लोली. स्लोली मीन्स धीरे धीरे. और नंबर फोर्टीन है इम्प्रूविंग. इम्प्रूव मीन्स धीरे धीरे इम्प्रूव होना, ग्रो होना. यहाँ पे जो पौधे होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं धीरे धीरे, उसके अकॉर्डिंग दिया है. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स में क्या है कि हमें जो यहाँ वर्ड दिए उसके मीनिंग्स लिखने हैं. फर्स्ट वन इज स्लोली. स्लोली मीन्स एट अ स्लो स्पीड, धीरे धीरे. नंबर टू, स्लेंडर. वेरी थीन, बहुत पतली जो होती है उसमें ब्रांचेस दिया है वो स्लेंडर, वेरी थीन. नंबर थ्री, माइटी. माइटी मीन्स पावरफुल, हमने वो डिस्कस किया था न्यू वर्ड्स में. नंबर फोर, इम्प्रूविंग टू बिकम बेटर. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर वन इज नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इन टू. एक आपको जो ट्री है कि एकॉर्न कहाँ, कौन से ट्री में ग्रो होता है वो उसका नाम बताना है. तो एकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री. जो एकॉर्न होता है वो ग्रो होके कौन सा ट्री बनता है, ओक ट्री. देन नंबर टू इज व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो. सीड जो होता है उसको ग्रो होने के लिए कौन सी चीजें चाहिए तो एक सीड ग्रो हो सके. सो आंसर इज अ सीड नीड्स वाटर, एयर एंड सनशाइन टू ग्रो. सीड को क्या चाहिए, वॉटर, एयर एंड सनशाइन ग्रो होने के लिए, बड़ा ट्री होने के लिए. क्वेश्चन थ्री इज हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन द इन दिस पोएम. यहाँ पे कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है जो आपको पोएम में लिखे हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ लिखने हैं आपको. देर आर थ्री डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पोएम, दे आर टाइनी, स्लेंडर एंड माइटी. कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे, टाइनी, स्लेंडर एंड माइटी. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द मिसिंग लेटर्स. यहाँ जो मिसिंग लेटर्स दिए आपको, वहाँ जो लेटर्स मिसिंग है वो आपको फिल करने हैं. नंबर वन इज ब्रांचेस, बी आर ए एन सी एच ई एस. यहाँ जो हमने डार्क किए वो डैश, वो आपको मिसिंग लेटर है वो फिल करने हैं. देन नंबर टू, डाउनवर्ड, डी ओ डब्ल्यू एन डब्ल्यू ए आर डी. यहाँ पे मिसिंग लेटर में डैश कहाँ दिए, ओ एन एंड ए. देन नंबर थ्री, एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई, स्लोली. डैश कहाँ पर दी है, ओ एंड एल. यहाँ पे नंबर फोर, सिप्ड, एस आई डबल पी ई डी. आई एंड पी के नीचे डैश दिए हमें मिसिंग लेटर में. नंबर फाइव, एम आई जी एच टी वाई, माइटी. मिसिंग लेटर यहाँ डैश कहाँ है, आई एंड टी पे. देन नंबर सिक्स, एस एल ई एन डी ई आर, स्लेंडर. सो डैश कहाँ पे है, ई एंड टी पर. देन राइट द अपोजिट्स. फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड. अपोजिट ऑफ डाउनवर्ड इज अपवर्ड. स्लोली फास्ट, स्लोली फास्ट. नंबर थ्री, लिटल बिग, लिटल बिग. नंबर फोर,
slender fat, slender fat, mighty weak, mighty weak. Then day night, day night. Next exercise, make sentences. जो आपको वर्ड्स दिए हैं वो यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है. यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाए हैं. फर्स्ट वन इज स्लोली, आई वॉक स्लोली इन द पार्क. नंबर टू, स्लेंडर, ही हैज अ स्लेंडर नेक. नंबर थ्री, माइटी, द माइटी वुमन केम टू फाइट विद द क्राउड. नंबर फोर, ब्रांचेस, द ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नंबर फाइव, he sipped coffee along with his friend. Then next one is write three uses of trees. Trees के हमें three uses यहाँ लिखने हैं. First one is trees give us food. Trees हमें food देते हैं. Fruit के fruit होता है उसका हम use करते हैं. तो vegetables देते हमें बहुत चीज बहुत सारी चीजें मिलती है food के रूप में. तो trees give us food. नंबर टू, ट्रीज गिव अस वुड. ट्रीज हमें वुड भी देते हैं. नंबर थ्री, ट्रीज गिव अस मेडिसिन. बहुत सारी ऐसी ट्रीज होते हैं जिसमें से हमें मेडिसिन मिलती है. सो यू हैव टू कॉपी डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक. थैंक यू.